नगर निकाय चुनाव में दूसरे चरण में 11 मई को अयोध्या में मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं और जीतने के बाद नगर निगम में हर सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दे रहा है, जिसको लेकर आज रिकाबगंज स्थित कमला नेहरू भवन के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कांग्रेस सीनियर प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने प्रेस वार्ता के दौरान अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने इस घोषणा पत्र के द्वारा जनता से वादे किए। नगर निगम में सम्मिलित 41 गांव के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। जब तक नहीं होता समुचित विकास, गृहकर और जलकर से मुक्त होगा, जल निकासी की व्यवस्था होगी, वही नगर निगम क्षेत्र में जलभराव की समस्या नहीं होगा। जलभराव नगर निगम टोल फ्री नंबर जारी करेगा, जिसमें लोग शिकायत दर्ज करा सकेंगे। निगम के प्रत्येक वर्ष के आय व्यय का विवरण होगा सार्वजनिक। सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान होगा। उन्होंने कहा, नगर निगम में कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को विनियमित किया जाएगा। जगह जगह सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था और पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाएगा। शहर ट्रैफिक जाम से मुक्त, आवारा पशुओं की समस्या का निदान होगा, कूड़े का निस्तारण होगा, निःशुल्क होगा, हर गली मोहल्लों से कूड़ा एकत्रित होगा। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गण मौजूद रहे। की गई थी इसलिए कि हम लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी किया है, ये देखिए, और इसमें हम लोगों ने मुद्दे 8-10 मुद्दे उठाए हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है कि जो नगर निगम में गांव शामिल किए गए हैं उसके लिए समुचित व्यवस्था, गृह कर, जल कर माफ़ करेंगे हम लोग उनका, कि जो पहले से उनके लिए इतना बोझ बना हुआ है और इस मेयर की कुर्सी पर बैठते ही ये हम उनका टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स माफ़ कराएंगे और आगे के लिए बिजली की समुचित व्यवस्था जो स्ट्रीट लाइट के द्वारा दी जा सकेगी, पानी वहाँ से निकासी का कोई साधन नहीं है उसके लिए दी जा सके, और जो शहर हमारा पूरा मलबे में तब्दील हो गया है, इस बार निरंकुश शासन आप देख ही रहे हैं जिस तरह का इन लोगों ने किया है, परेशान लोग हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। और जनता का रुझान हमें बड़ा अच्छा मिला है और हमने हर घर जाके महिलाओं की बड़ी व्यथा देखी है, जो कि इस सरकार 5 साल की जो सरकार रही है पहले, उन्होंने कुछ भी, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जाके कोई व्यवस्था कराई होगी, और जनता बहुत परेशान है। एक एक घर में हमने जाके ये मुद्दे देखे हैं कि वो कैसे हमें कह रहे हैं हमारे घर पानी नहीं है, हमारे घर बिजली नहीं है, हमारा हाउस टैक्स इतना आ गया है, हमारा वाटर टैक्स इतना आ गया है, लकड़ी पे खाना बनाने को महिलाएं आज भी मजबूर हो रही हैं, और जो ये सरकार असंगठित और अनियोजित ढंग से कार्य कर रही है पूरे शहर में, उसका भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी लोगों को। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह मलबे में तब्दील, पूरा शहर, इतना खूबसूरत शहर हमारा मलबे में तब्दील हो गया है। तो क्या ये लगता है आपको कि न्याय संगत है ये बताइए मुझे। इस तरह लोग परेशानियां झेल रहे हैं तो हम लोग जनता के बीच में जा रहे, यही सुन रहे हैं, व्यापारी वर्ग इतना परेशान हो रहा है, सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग क्या इस दिन के लिए यहाँ बैठे हुए थे। हम चाहेंगे कि ये मुद्दे हम उनके में जा के रखें उनके बीच, और उनको अच्छे से स्थापित करने की हम कोशिश करें। जो जनता यहाँ से पटरी वाले, देखिए रेहड़ी दुकानदार कितने परेशान हो रहे हैं, तो ये परिवर्तन वाले उनके पास जा जाके उनको परेशान करते हैं, जो ऊँचे दुकानदार बैठे उनको कोई कुछ नहीं कहता है, तो जाके छोटे छोटे दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, पटरी दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, जो घर से विस्थापित जिनको किया गया है, हम चाहते हैं उनके लिए भी हम स्थापित, इनके पहले विस्थापित इनको किया गया, इनको चाहिए था पहले भी उनको स्थापित करते, जो उनका मुद्दा था, इन्होंने ये पहले उनको विस्थापित कर दिया, अब वो भटक रहे हैं, किसी का कारोबार नहीं रह गया, एक तो कारोबार पहले लोगों के छिन चुके हैं, आप देख ही रहे जो व्यवस्था है, उसके बाद जनता इस तरह परेशान हो रही है। इन्हीं मुद्दों को लेके हमने आज प्रेस वार्ता की। कहूँगी यही कि धन्यवाद है, उन्होंने पहले भी मुझे चुना है, जो मैं, मेरे कांग्रेस पार्टी ने मुझमें निष्ठा दिखाई है, मुझे चुना है, और मैं जनता के सारे मुद्दे लेके बीच में आ सकूं, और जब तक मैं ये घोषणा पत्र में जितने भी लिखे हैं